सीओ साहब, ज़रा आप बताएंगे कि आपने अमन और भाविस का जो केस जो हुआ था उसको कैसे आपने सुलझाया? हम लोगों ने तत्काल पीड़ित के परिजन के द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर 363 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर SI को टीम गठित करके SI के साथ मैंने कहा तत्काल इसकी रिकवरी सकुशल रिकवरी होनी चाहिए। रास्ते में पड़ने वाले जितने संभावित CCTV कैमरे थे सारे CCTV कैमरे को चेक किए गए। पीड़ित परिवार, पीड़ित बच्चों के परिजनों के द्वारा डाउट जिन पे किया गया उनसे पूछताछ की गई। कल शाम को मुझे डाउट में पूछताछ में वो संदिग्ध नहीं लगे तो उनको मैंने पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया था। उसके बाद लगातार हम लोग विजिलेंट थे, जितने मीडिया सर्किल सोशल DCRB NCRB सब पे हम लोगों ने डाल रखा था। उस पर हम लोगों के क्रास तक कॉल आने लगी थी, उन बच्चों के फ़ोटो और उन बच्चों के बायोडाटा और थाना के नंबर। इस पर हम लोगों को बोरीवली से सूचना मिली वहाँ RPF से कि दो बच्चे आपके वृंदावन थाना संबंधित हैं और इनको यहाँ रेलवे स्टेशन से रिकवर किया गया है। उस पर हमारी टीम तत्काल यहाँ से बॉम्बे गई है, बॉम्बे टीम ने उन बच्चों को रिकवर कर लिया, उनको बैक लेके आ रही है। डॉक्टर साहब, ज़रा आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज जो कार्यक्रम था वो हमारे जो CEO सदर हैं माननीय राकेश यादव जी, उनके सम्मान में किया गया MRC गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से दो बच्चे वृंदावन के पानी घाट से लापता हो गए थे और पूरे वृंदावन वासियों को बहुत चिंता थी कि बच्चे कहाँ गए, कहीं ऐसा तो नहीं उनको कोई पकड़ के अपहरण कर लिया या किसी गिरोह के हाथ लग गए। लेकिन हमारे CEO सदर साहब ने तुरंत तत्परता दिखाई और तुरंत एक्शन लिया और 3 दिन के अंदर वो बच्चे जो हैं बोरीवली मुंबई से, उनको तुरंत ही सूचना मिली और वहाँ से उन्होंने एक्शन लेते हुए वहाँ वो बरामद हो गए और तुरंत यहाँ आ रहे हैं। तो इस खुशी में कि हमारे जो CEO सदर हैं इतने एक्टिव हैं, उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और बच्चों को बरामद कर लिया, उनके सम्मान के लिए MRC वृंदा चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज उनका सम्मान समारोह रखा है, जिसमें माननीय CEO साहब यहाँ आए हैं। आज हम सब लोगों ने उनका सम्मान किया है इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम। अगर सारे पुलिस वाले ऐसे हो जाएं जो तुरंत तत्काल से डिसीजन लें और एक्शन लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या वृंदावन की या अभी तो पूरे भारतवर्ष में कोई समस्या ऐसी नहीं।